नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी की, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पैशन प्रो। दोस्तों गाड़ी कोई भी हो, आज का जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आज का जो फॉल्ट बता रहा हूँ, वो आप कोई भी टू व्हीलर जो आपके पास गाड़ी है उसमें आप देख सकते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटल मीटर के बारे में। ये आप देख रहे हैं डिजिटल मीटर है, तो कई मेरे पास प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, कई जो अपने दोस्त हैं उन्होंने कमेंट किया है कि हमारी गाड़ी जो है उस गाड़ी का जो फ्यूल गेज है वो काम नहीं कर रहा, हमारी गाड़ी का जो मीटर है वो काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैंने स्पेशल जो वीडियो बनाया है, आज मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूल गेज और इस मीटर के बारे में। ये जो मीटर है, इस मीटर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने जैसे गाड़ी में तेल डलवा लिया है, तेल की टंकी फुल भी है, फिर भी आपके यहाँ पर जो है कुछ साइन नहीं आ रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है, या आपकी तेल की टंकी खाली है फिर भी यहाँ पर फुल बता रहा है, या आपने कुछ तेल डालो चाहे मत डालो सेम टू सेम हो रहा है, तो ऐसा क्या है, क्या कमी आ जाती है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि किस कारण से ऐसा होता है ये जो है वो काम नहीं करता। तो मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ। पहली बात ये बता रहा हूँ कि क्या ये सही है कि ख़राब है। इसकी पहली बात तो ये है कि ये सही है कि ख़राब है, इसको अपने को चेक करना है। आज हम बात करेंगे डिजिटल फ्यूल मीटर के बारे में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर जो अपने पास एनालॉग है, जो सुई वाला है, उसके बारे में। आज मैं आपको डिजिटल के बारे में बताऊंगा। जो नेक्स्ट अपना वीडियो बनेगा उस वीडियो में आपको ये जो अपने पास एनालॉग जो मीटर होता है, जो सुई वाला मीटर होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने इसको ऑन किया है, यहाँ से मैं आपको इस बिल्कुल पास से दिखाता हूँ। ये देखिए कि अभी ये जो है इसमें मैंने तेल डाला रखा है गाड़ी में, और ये देखिए यहाँ पर अभी ये इतनी डंडी दिखा रही है, 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं इसके अंदर। यह तेल की टंकी जो है वो आधे से कुछ ज़्यादा ही है, तो लगभग इतनी इसमें दिखा रखी है, ठीक है। अब इसमें क्या, कई बार क्या होता है कि ये पूरी की पूरी अट जाती है, तो या इसमें तेल डलाओ ये आधी की आधी रहती है, तो इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न होता है कि दोस्तों फ्यूल गेज होता है गाड़ी के अंदर, जैसे टैंक है, इस टैंक को जैसे आप ज़रा सा उठाओगे, मैंने इसके बोल्ट वगैरह जो है वो सारे खोल रखे हैं ताकि वीडियो जो है वो लॉन्ग नहीं हो। तो इसको आप ज़रा से यहाँ से उठाओगे तो आप नीचे की साइड में देखिए फ्यूल गेज है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर फ्यूल गेज आता है, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी में देख लीजिए, जैसे एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो, सब में तेल की टंकी के जस्ट नीचे ऐसा एक फ्यूल गेज होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं हर टंकी के नीचे होता है ये, ठीक है। कोई भी गाड़ी लो उसका, तो जो फ्यूल गेज है टंकी के नीचे इस प्रकार से, उसका वायर यहाँ है, ये वायर जैसे फ्यूल गेज लगा हुआ था उसका वायर यहाँ गया। तो आप अपनी गाड़ी का जो फ्यूल गेज है उस फ्यूल गेज को चेक करिए, फिर उसका वायर, मतलब ध्यान रखना है कि उसी का वायर है ना, फिर उठा के आप चेक कर लीजिए कि उसी का वायर है इसके नीचे से, ऐसे करके फिर आप वहाँ तक पहुँचिए। यहाँ तक पहुँचने के बाद में ये जो पिन है, इस पिन को यहाँ से निकाल दीजिए, इस पिन को यहाँ से आपको निकालना है, ठीक है। अभी आप चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर देखो ये पॉसिबिलिटी आ रही है, और मैं इस पिन को अब यहाँ से निकालूंगा। ये देखना ये पिन जो है मैंने यहाँ से ये निकाल दिए। अब देखिए आप यहाँ से क्या होगा, ये देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी आने लग जाएगी पिन को निकालने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि आप, मेरा जो गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, उसका फ्यूल जो गेज है वो बिल्कुल से सही काम कर रहा था। लेकिन यदि फ्यूल गेज ख़राब होता तो इसमें ऐसा सिस्टम होता, या तो ऊपर नीचे जाता, मतलब ये जो डंडी है ये कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती, कभी ऐसे ऊपर नीचे कभी ऊपर नीचे जाती, तो ऐसा होता। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि फ्यूल गेज तो भी सही था, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मीटर सही है क्या। अब ऐसा लग रहा है कि मीटर भी ख़राब है या फ्यूल गेज ख़राब है, तो मुझे मीटर चेक करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, आपने क्या किया, इस पिन को तो यहाँ से निकाल दिया है। अब ये जो पिन है इसके अंदर, इस वाली, इसको तो अलग कर दिया है, या तो टैंक से आई है, ठीक है। ये वाली जो है, इस वाले में आपको ये जो आपके पास चिमटी है, चिमटी को इसके अंदर की साइज़ में जो आप देख रहे हैं ना दो पिन, इसको आपको चिमटी से टच करवाना है, ऐसे करके ये बिल्कुल पास से लेके जाओ, और जो चिमटी है इसको इसके अंदर ले जाओ ऐसे करके, और इसको यहाँ से टच कराओ। और ये जैसे मैंने टच कराई है, तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो रहा है, देखते जाना। कुछ ही देर में इसमें देखो ये जो जो भी आप प्रतिक्रिया देख रहे हो, ये देखो ये टैंक अब फुल बता रही है, देख रहे हो ये टैंक अब फुल है। ये मैंने यहाँ से इसको टच करा रखा है, और यहाँ से टैंक जो है वो फुल बता रही है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है, ये मैंने हटा दिया, हटाने के बाद अब देखेंगे यहाँ क्या हुआ है,
ये देखिए, ये दोबारा से वही प्रोसेस आ गई। इसका मतलब है कि आपका जो गाड़ी है, इस गाड़ी का मीटर है वो बिल्कुल से सही है। ये वाला जो फ्यूल वाला मीटर है आपकी गाड़ी का बिल्कुल से सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और फ्यूल गेज जो है वो फ्यूल गेज में यदि प्रॉब्लम आती तो ये यूँ करता। तो इसमें मेरा कहने का मतलब है कि दोनों ही सही है यहाँ से अभी। अब मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर दोबारा लगाया है, ये देखिए इस पिन को मैं यहाँ से दोबारा लगा देता हूँ। दोबारा लगाने के बाद यहाँ देखेंगे, अब देखिए मैंने पिन जो है ये वापस लगा दी है इसके अंदर। ये देख रहे हैं पिन जो है वो मैंने वापस लगा दी है। और ये पिन वापस लगाने के बाद में अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी को। ये देखिए अब जितना फ्यूल है उतना बता रही है, ठीक है, ठीक है ना, ये फ्यूल है इतना बता रही है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि क्या आपकी गाड़ी का मीटर ख़राब है या इसका जो फ्यूल गेज है वो ख़राब है। मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी बता दी है। यदि आप इस पिन को यहाँ से हटाओगे, इस पिन को हटाने के बाद में आपको यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है वो आप देखेंगे। यदि इसमें लाइनें चल रही हैं, ऊपर नीचे हो रहा है या ये बार बार अप डाउन हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी जो है उस गाड़ी का फ्यूल गेज जो है वो ख़राब हो सकता है। मैं कह नहीं रहा कि है, आपकी गाड़ी का यदि ऊपर नीचे हो रहा है बार बार ये फ्यूल वाला, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से ये पिन हटा के इसकी चिमटी जो है वो लगा के आप चेक कर लेना। यदि ये फुल चला जाता है, यदि यहाँ से लगाने के बाद में ये फुल चला जाता है, इसका मतलब आपका जो गाड़ी है उस गाड़ी का मीटर बिल्कुल से सही है। और यदि आपने चिमटी लगाई, चिमटी लगाने के बाद या कोई वायर वहाँ पर लगाया, लगाने के बाद में भी यहाँ से ये जो है वो वैसे ही कर रहा है, इसका मतलब है कि ये मीटर है, इस मीटर में फॉल्ट है। या ये जो लाइन डाली हुई है, इसकी जो वायरिंग है उस वायरिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट आया हुआ है, वायरिंग कहीं ना कहीं डैमेज है, दो काम हो सकते हैं। तो आपको वायरिंग खोलनी पड़ेगी, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा लगाया, लगाने के बाद भी आपने देखा कि इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो, तो इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। फ्यूल गेज कब ख़राब होता है? फ्यूल गेज ख़राब होता है कि आपने यहाँ से टच करा के देखा, देखने के बाद में वहाँ से बिल्कुल से सही हो गया, लाइन बिल्कुल से सीधी ऊपर चलेगी, इसका मतलब आपकी गाड़ी का फ्यूल गेज है उसमें मिस्टेक है। तो कोई दूसरी गाड़ी, उस दूसरी गाड़ी का फ्यूल गेज जो है उसकी पिन यहाँ पर लगाने के बाद में फ्यूल गेज को धीरे धीरे उठाएंगे, मतलब समझ रहे हो, इसके अंदर जो फ्यूल गेज आता है, फ्यूल गेज का इसका वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है फ्यूल गेज का। तो फ्यूल गेज को आप धीरे धीरे उठाओगे, क्योंकि इसमें तेल जाएगा तो फ्यूल गेज जो है वो धीरे धीरे उठता है। तो फ्यूल गेज को जरा जरा से उठाओगे तो इसमें जो लाइन है, इसकी लाइन 1, 2, 3, 4 वाली है, वो धीरे धीरे उठती जाएगी और लास्ट में टच हो जाएगी। फिर आप फ्यूल गेज को नीचे करोगे तो वो जो लाइन है वो बिल्कुल से नीचे की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो गाड़ी का फ्यूल गेज है वो गड़बड़ हो सकता है या नहीं हो सकता। यदि लाइन बराबर ऊपर नीचे जा रही है तो फ्यूल गेज सही है, नहीं तो फ्यूल गेज ख़राब है। तो ये देखो दोस्तों, आज मैंने आपको बता दिया कि फ्यूल गेज में मिस्टेक है तो क्या होगा और मीटर में मिस्टेक है तो क्या होगा। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा, उस वीडियो में आपको जो एनालॉग जो मीटर है उसके बारे में बताऊंगा। आज मैंने इस डिजिटल मीटर के बारे में बताया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज का जो मेरा वीडियो है वो बिल्कुल से पसंद आया होगा। एक बात और मैं बताना भूल गया आपको कि कई बार क्या होता है, गाड़ी की जो बैटरी होती है, उस बैटरी जो होती है वो थोड़ी वीक होती है। इस डिजिटल में क्या सिस्टम है कि इसकी बैटरी यदि वीक है, गाड़ी की इधर की साइड में बैटरी लगती है, आपने देखा होगा, तो गाड़ी की यदि बैटरी वीक है तो भी उस समय ये जो फ्यूल है, फ्यूल मीटर है, इसमें गड़बड़ आएगी, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। फ्यूल गेज में गड़बड़ आ सकती है जब गाड़ी की बैटरी जो है वो वीक है। तो गाड़ी की बैटरी जो है वो वीक होगी, उस कंडीशन में ऐसा होगा तो आपको गाड़ी की बैटरी जो है उसको दूसरी लगा के देख लेना है। कोई दूसरी 12 वोल्ट की बैटरी आपके घर में दूसरी गाड़ी हो, उस गाड़ी का आपको एक बार करंट लेके देख लेना कि ऐसा इससे हो रहा है, क्योंकि डिजिटल मीटरों में खासकर ऐसा होता है, एनालॉग में ऐसा होने की संभावना जो होती है वो कम होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा बनाया वीडियो जो बिल्कुल से पसंद आया होगा। मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।